राजधानी जयपुर में सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का 3 सितंबर को नागरिक अभिनंदन हुआ। जयपुर के पूर्व सांसद रामचरण बोरा की पहल पर हुए इस समारोह में राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता मौजूद रहे। एक समय था जब ओम प्रकाश माथुर की तूती पूरे राजस्थान में बोलती थी। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए भी माथुर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे। यह बात अलग है कि राजे के साथ विवादों के चलते माथुर को राजस्थान की राजनीति से दूर जाना पड़ा। अभिनंदन समारोह में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी उपस्थित थी। सोशल मीडिया पर अब वसुंधरा राजे का पूरा भाषण वायरल हो रहा है। राजे अपने भाषण में राज्यपाल के पद को बहुत ही असरदार बता रही है। राजे ने यह भी बताया कि राज्यपाल का पद मुख्यमंत्री से भी ज्यादा असरदार होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि गत कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत सरकार ने जब विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख बताई तो तत्कालीन राज्यपाल कलराज मिश्र ने निर्वाचित सरकार की तारीख को मानने से इनकार कर दिया। विधानसभा का सत्र तभी हुआ जब राज्यपाल ने चाहा। राजे ने कहा कि कुछ लोगों की धारणा है कि राज्यपाल का पद राजनीति से सेवानिवृत्ति है, लेकिन मेरा मानना है कि राज्यपाल रहते हुए संबंधित राज्य में जनसेवा ज्यादा प्रभावी तरीके से की जा सकती है। लोग ये सोचते हैं कि कोई राज्यपाल बन जाता है तो वो रबर स्टैंप। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये रबर स्टैंप नहीं होता। इसको समझने की बात है कि एक वेलवेट ग्लव, जिसको बोलते हैं ना मखमल के क्या बोलते हैं दास्तान, उसके अंदर आयरन फिस्ट। सब लोग सोचते हैं कि रबर स्टैंप पे ऐसे कुछ भी करवा दो, वो तो वैसे बैठे हुए हैं, परंतु ये है आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। और जैसे जो भी घुड़सवारी करता है, अगर अच्छा करता है, लगाम लेता है, चाबुक लगा देता है, वो जानता है किस तरीके से घोड़े की सवारी करना, तो घोड़ा सही तरीके से चलता है वैसे ही दौड़ता है जैसे वो चलाने की कोशिश करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्यपाल के पद का जिस तरह महिमा मंडन किया, उससे राजस्थान की राजनीति में अनेक सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि क्या अब वसुंधरा राजे को राज्यपाल का पद अच्छा लगने लगा है। राजे मानने लगी है कि राज्यपाल का पद भी गरिमामय और सम्मानजनक होता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में राजस्थान में भाजपा की हार के बाद से ही राजे को राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन राजे ने पिछले 6 वर्षों में हर बार ऐसी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। लेकिन 3 सितंबर को यह पहला अवसर रहा जब वसुंधरा राजे ने राज्यपाल के पद को भी असरदार माना। ये आर्टिकल 200 है संविधान के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि बताते हैं कि राज्यपाल के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं, और उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित भी रख सकते हैं। 3 काम कर सकते हैं, उनके हाथों के द्वारा ही निकलता है कोई भी बिल हाउस में से। जब निकलता है तो दैट विधेयक को वो रोक भी सकते हैं और पास भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी विधेयक को रोका जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है किसी भी गवर्नर का, किसी भी राज्यपाल का। तो आपको यहाँ याद होगा कि राजस्थान में जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक सत्र 31 जुलाई 2020 तब वो बुलाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने 3 बार प्रस्ताव भेजा गवर्नर साहब के पास। लेकिन महामहिम राज्यपाल जब थे कलराज जी मिश्र, उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। बाद में वही सत्र जब राज्यपाल जी ने चाहा, उनकी अनुमति के साथ 14 अगस्त को हुआ। आर्टिकल 356 में राज्यपाल की सिफारिश पर किसी भी बहुमत वाले राज्य सरकार को निलंबित करना है किसी कारण की वजह से, तो वो कर भी सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं, और उस प्रदेश के अंदर सरकार का पूर्ण अधिकार उनके हाथ में भी चला जा सकता है। तो आप जब ये सब बातों को सुनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नर के पावर, हमारे राज्यपाल महामहिम के पावर कोई कम नहीं है।
वहीं पूर्व सीएम राजे ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर चुप्पी साधे रखी। सब जानते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब से दिया कुमारी को राजनीति में आगे बढ़ाया है, तब से वसुंधरा राजे खुश नहीं है। राजनीति को समझने वालों का मानना है कि माथुर के अभिनंदन समारोह में वसुंधरा राजे ने पीतल की लोंग वाली जो बात कही, वह डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर कटाक्ष था। राजे का कहना रहा कि राजनीति में कुछ लोगों को पीतल की लोंग मिल जाती है तो वह स्वयं को सराफ समझने लगते हैं। आपको समझ में है ये बात कि कितने भी हम ऊपर चले जाएं, ये जमीन नहीं खिसकनी चाहिए अपने पैरों के नीचे से। अपने को अपना कॉन्टैक्ट अपने कार्यकर्ताओं से, अपने बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशंसक हैं, हमारा साथ देते हैं, उनके साथ जुड़े रहने से आज ये हॉल भरा है। इसी वजह से, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पे रखने का काम किया है, और ये असंख्य लोग, बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इसी की वजह से बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या होता है भाई साहब, ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सराफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं, फिर माथुसार से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूँगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पांव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब। देखना होगा कि वसुंधरा राजे के बदलने का मिजाज और विचार के परिणाम आने वाले दिनों में कैसे सामने आते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गत वर्ष भाजपा के दिग्गज नेता गुलाब चंद कटारिया को भी असम का राज्यपाल बना दिया गया था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गत विधानसभा सत्र में भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने जयपुर राजघराने की संपत्ति से जुड़े भूमि विवाद को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया था। सब जानते हैं कि सराफ राजे के पक्के समर्थक हैं। अब देखना होगा कि पीतल की लोंग वाली कहावत का जवाब किस तरह आता है, क्योंकि वसुंधरा राजे भी धौलपुर राजघराने की महारानी है। अंततः वसुंधरा को राज्यपाल बनाने के विचार पर सवाल निशान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह फैसला सिर्फ राजनीति की चतुर चाल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वसुंधरा अभी भी राजनीति के ऊंचे पायदान पर खड़ी है और एक राज्यपाल का पद उनके राजनीति सफर का उपयुक्त अंत नहीं हो सकता।